मान लो आप क्रिकेट खेलते हो और आपके पास एमएस धोनी आते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम फ्यूचर में बहुत आगे जाओगे, तो सोचो आपके लिए वो कितना लकी दिन होगा और आपकी परफॉर्मेंस कितनी इंप्रूव हो जाएगी। वैसे ही हुआ था शाओमी कंपनी के साथ। जब ये मार्केट में नई नई आई थी तो सब इसे बच्चा समझ रहे थे, मान लो एक यंग कॉम्पिटिटर। तो एप्पल के कोफाउंडर स्टीव वॉजनेक इस नई फोन कंपनी को थोड़ा स्टडी करते हैं और सबको कहते हैं कि शाओमी कंपनी में इतना पोटेंशियल है ना कि ये पूरे अमेरिकन मार्केट को हिलाकर रख देगी। एंड गाइस, इन जस्ट 9 इयर्स शाओमी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्मार्टफोन ब्रांड्स बन गई। इनके सारे कॉम्पिटिटर लिटरली चौंक गए कि भाई इसमें ऐसा है क्या। और पता है, हमारे देश में ऐसा था कि लोग पहले ऑनलाइन मोबाइल खरीदने से डरते थे कि यार 20-25 हज़ार का फोन है, कहीं नकली निकला तो सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। वो तो शाओमी ने कहा कि हमारे फोन तो सिर्फ 8 से 15 हज़ार के बीच में, आप बेझिझक शॉपिंग कीजिए। और दोस्तों, उन्हीं की वजह से आज के डेट में हर 10 में से 8 स्मार्टफोन ऑनलाइन ही खरीदे जाते हैं। वैसे गाइस, सच बताऊं तो मेरे पास भी शाओमी का ही फोन है। आपके पास कौन सा है मुझे कहीं से प्लीज बताना। और हाँ, अगर आप व्यू प्रोडक्ट पे दिए गए फोन पे क्लिक करते हो तो आपकी जिंदगी में भी कोई एमएस धोनी या स्टीव वॉजनेक जैसा इंसान आएगा और आपको ब्लेसिंग देगा।